और ये घर इस बारिश में कब कहर ढाके गिर जाए, कब ढह जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। आप देख सकते हैं ये घर, ये पिछले 5 सालों में ये विकास कार्य है इस ग्राम सभा निवादा में, 5 सालों में ये काम किया। शर्म आनी चाहिए ग्राम प्रधानों को, 5 सालों में आप लोगों ने किया क्या है। अरे कुछ चुनिंदा घर होते हैं, कुछ ही ऐसे घर होते हैं आपके गांव में जिन्हें घर की जरूरत होती है, जिन्हें घर की जरूरत होती है उन्हें आप घर नहीं देते हैं, और जिनके पास ऑलरेडी घर है उन्हें आप अच्छा सा घर दे रहे हैं। क्या कहाँ का न्याय है ये, किस तरह का न्याय है ये। प्रतापपुर विधानसभा बहुत नेता है यहाँ पे, बड़े बड़े नेता है यहाँ पे, बड़े बड़े चुनावी चुनाव आ रहा है 2022 में, फिर से आप मुंह उठा के वोट मांगने आइएगा, लेकिन कभी आप जनता से मिलने आए हैं, कभी आप जनता को देखने आए हैं, कभी आप जनता को सुनने आए हैं, केवल आप वोट मांगने आइएगा, वोट के टाइम अपना मुंह दिखाइएगा। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं dilankadehan.com और मैं हूं आपके साथ आकाश सिंह। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव समाप्त हो चुके हैं, अब ऐसे में यहां प्रधान भी चुन लिए गए हैं। पिछले 5 साल से आप देख ही रहे हैं किस तरीके से प्रधानों ने काम किया है। आज मैं प्रतापपुर विधानसभा में मौजूद हूं। प्रतापपुर विधानसभा का ये निवादा ग्राम है और आप देख सकते हैं मैं एक ऐसे घर पर मौजूद हूं जो बारिश में कब ढह जाए, कब गिर जाए, कब यहां पे दुर्घटना हो जाए, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। मेरे साथ यहाँ पे इस घर की गार्जियन मौजूद हैं, मैं इनसे बातचीत करूँगा, जानने की कोशिश करूँगा कि आखिर इनका ये घर पिछले 5 सालों में क्यों नहीं बन पाया। मेरे हाथ में एक लिस्ट भी है, इस लिस्ट में ऐसे 16 लोगों के नाम हैं जिनके पास ऑलरेडी घर है और उनको फिर से घर दिया जा रहा है, और जिनके पास घर नहीं है, जो परेशान हैं, जो समस्या में हैं, जो आप देख सकते हैं किस तरीके से जिंदगी यहाँ पे गुजार रहे हैं, उनके पास घर ही नहीं है। क्या नाम है आपका? रीता जी। तो बताइए, घर है आपके पास? हाँ, यही घर है आपका? हाँ। कैसा है ये घर? गिरा हुआ है। गिरा हुआ है। हाँ। तो ये बताइए, अगर तेज बारिश होती है तो गिर जाएगा, कहाँ रहेगा? गिर जाएगा ये? हाँ। अगर तेज बारिश आती है जिस तरीके से जर्जर ये घर है, हाँ। गिर जाएगा? हाँ, गिर जाएगा तो कहाँ रहेगा? प्रधान से आपने बोला था घर के लिए? हाँ, बोलेगा। कौन है प्रधान, कौन थे प्रधान अभी 5 साल पहले? दयाराम बिंद। नए प्रधान है आपके? हाँ। पुराने प्रधान कौन थे आपके? नगेंद्र। हाँ। नगेंद्र, उनसे कहा था आपने घर के लिए? हाँ। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? कुछ आश्वासन नहीं दिया। कुछ नहीं। आपका मैंने सुना नाम आया था, फिर नाम कटवा दिया गया, सही है ये? हाँ सर, है ये, सही बात है। हाँ। तो कितने लोग रहते हैं आपके घर में, कितना परिवार है आपका? हमारे 10-12 जने हैं। 10-12 लोग हैं। हाँ। और यही घर है आपका? हाँ। बारिश अगर होगी तो गिर सकता है ये? हाँ, गिर जाएगा। हाँ। तो बताइए आप कुछ इसके बारे में, आप क्या चाहती हैं सरकार से, आप क्या चाहती हैं? आवास चाहती हैं आप? हाँ। मिलना चाहिए आपको आवास? हाँ, मिलना चाहिए। कुछ प्रधान की तरफ से आपको पिछले 5 सालों में क्या कुछ मिला है? कुछ नहीं मिला है। बाथरूम, लैटरिन, कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं मिला है। तो आप देख सकते हैं पिछले 5 सालों में उन्होंने कोशिश करी, उन्होंने बातचीत करी, उन्होंने संवाद किया प्रधान से कि इन्हें घर मिले, लेकिन इनको घर मिला नहीं। अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि थोड़ा इस घर की स्थिति दिखाएं, इस घर की जर्जर स्थिति दिखाएं, किस तरीके का ये घर है, और ये घर इस बारिश में कब कहर ढाके गिर जाए, कब ढह जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। आप देख सकते हैं ये घर, ये पिछले 5 सालों में ये विकास कार्य है इस ग्राम सभा निवादा में, 5 सालों में ये काम किया गया। आप देख सकते हैं पीछे से भी इस घर को देख सकते हैं, ये घर कब गिर जाएगा, कब ढह जाएगा और कब दुर्घटना हो जाएगी, इसका इसके लिए आप कुछ नहीं कह सकते हैं। अगर ये घर गिरता है, अगर ये घर ढह जाता है और यहां पे दुर्घटना होती है, मिसफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, यहां जो परिवार रह रहा है अगर उसके साथ कोई दुर्घटना होती है तो कौन होगा इसका जिम्मेदार, कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी। शर्म आनी चाहिए ग्राम प्रधानों को, 5 सालों में आप लोगों ने किया क्या है। अरे कुछ चुनिंदा घर होते हैं, कुछ ही ऐसे घर होते हैं आपके गांव में जिन्हें घर की जरूरत होती है, जिन्हें घर की जरूरत होती है उन्हें आप घर नहीं देते हैं, और जिनके पास ऑलरेडी घर है उन्हें आप अच्छा सा घर दे रहे हैं। क्या कहां का न्याय है ये, किस तरह का न्याय है ये। प्रतापपुर विधानसभा बहुत नेता है यहाँ पे, बड़े बड़े नेता है यहाँ पे, बड़े बड़े चुनावी चुनाव आ रहा है 2022 में, फिर से आप मुंह उठा के वोट मांगने आइएगा, लेकिन कभी आप जनता से मिलने आए हैं, कभी आप जनता को देखने आए हैं, कभी आप जनता को सुनने आए हैं, केवल आप वोट मांगने आइएगा, वोट के टाइम अपना मुंह दिखाइएगा। जब वोट मांगने आएंगे नेता, हाँ। क्या कहेंगी आप उनसे, वोट देंगी? नहीं। हाँ, क्या कहेंगी आप नेताओं से? वोट ना दे। वोट नहीं देंगी आप? नहीं। हाँ, कोई मिलने आता है आपसे? हाँ, वोट के विषय में आता है। वोट के विषय में आते हैं? हाँ। क्या कहते हैं कि वोट चाहिए? हाँ।
कुछ लालच देते हैं, ये करेंगे वो करेंगे। हाँ, कॉलोनी देंगे। हाँ, तुम्हारे लिए आवास नहीं है, आवास देंगे। यही है, यही सब तरह, हाँ, तमाम तरह की, हाँ, चीजें, हाँ, बता के फिर यहाँ से निकल लेते हैं। आइए हम बातचीत करेंगे। बताइए क्यों ये घर नहीं बन पाया, आपसे बात करना चाहते हैं। बताइए ये स्थिति ऐसी क्यों है आपके यहाँ की? ये प्रधान कमी हो ऐसा है। प्रधान? हाँ, कौन प्रधान है यहाँ प्रधान? यहाँ समझ दया राम है। हाँ, नगेंद्र सबको दे रहे हैं सोचिम नाम। हाँ, मगर दयाराम कटवा दिए साहब। अच्छा, पुराने प्रधान ने सबका नाम दिया? हाँ, था नाम दिया था। नए प्रधान ने सबका नाम कटवा दिया? हाँ। किस वजह से ऐसा हुआ? पैसा वैसा मांगे थे क्या? पैसा नहीं मांगे थे साहब। हाँ, वो बात नहीं है, मगर कटवा दिए। किस लिए? गांव वाले के कहे पे। गांव वाले ऐसा क्यों कह रहे थे? अब भाई क्या बताएगा, हमने एक नाम बताया। आपने शायद वोट नहीं दिया होगा। वोट दे ही हम साहब। अच्छा, वोट आप उनको दिए तभी आपका नाम कटवा दिया? नाम कटवा दिए। क्या कहना चाहते हैं सरकार से आप? सरकार से मोह सुख भाई चाहे कॉलोनी। हाँ, उम्मीद है मिलेगा कॉलोनी भाई। वैसे तो दयाराम कटवा दें तो कहाँ से मिले। आप लोग जैसे चाहिए वैसे हो। और ये जो इसमें सबका नाम है जिनके पास ऑलरेडी घर है, उनको क्या कहेंगे? तो उनको तो नहीं मिलना चाहिए भाई। नहीं मिलना चाहिए नहीं। लेकिन फिर भी हाँ, नाम चल गया है, मिलने हाँ, वाला है। अच्छा, मान लीजिए अगर बारिश में ये घर ढह जाएगा तो क्या होगा स्थिति? मौत हो जाए रहे में। मौत हो जाएगा? हाँ। कौन होगा इसका जिम्मेदार? भाई प्रधान हो, सेक्रेटरी। प्रधान, सेक्रेटरी, वीडियो। वीडियो जो चेक करने आए थे, पड़ताल करने आए थे किसके पास है किसके पास नहीं है। राम आए रहे, सेक्रेटरी आए रहे। हाँ, ये चेक करे। हाँ हाँ हाँ, तब वो कटवाए दें जी। हाँ सर, क्या कह रही थी आप? तही मरे पीछे न्याय होता। हाँ, ना जब किसी की मौत हो जाएगी हाँ, तब पीछे होता, तब सब न्याय करे यही। हाँ, अबे नहीं नहीं। हाँ, जब दुर्घटना हो जाए तब पहुंचे। हाँ, सब गाड़ी लेके। हाँ, मदद करे बिना। हाँ, तो आप देख सकते हैं ये केवल एक ऐसा गांव नहीं है जहाँ पे ये स्थिति है, हर गांव की यही स्थिति है। मेरे साथ यहाँ पे दैनिक जागरण के स्थानीय पत्रकार भी मौजूद हैं। पत्रकार साहब, ये बताइए आप जब इस गांव में आते हैं तो कभी सोचा नहीं कि इसका मुद्दा उठाया जाए, इसको बनवाया जाए? कई बार हमने मुद्दा को उठाया, लेकिन यहाँ ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव के माध्यम से अनियमितता बरती गई, जो अखबारों में भी खुलासा किया गया, लेकिन उसके बावजूद पैसे के लेन देन करके वो मामले को समेटने का प्रयास किया। हमारी ये गांव की भोली वाली जनता मौन धारण की रही, लेकिन अब स्थिति ये आई कि मामला बर्दाश्त के बाहर हो गया। मामला बर्दाश्त के बाहर जी, इसकी आवाज़ हमने अपने ग्रामीणों से, एक दो लोगों से, जीआरएफ के माध्यम से सूचना की और तत्काल इसकी जांच भी हुई। और अब जांच पर क्या प्रक्रिया करेंगे जी, ये अभी दो चार दिन के अंदर ही खुलासा हो जाएगा। कैसा है आपका गांव, क्या है आपके गांव की स्थिति, थोड़ा बताइए लोगों को। हमारे गांव का स्थिति बहुत ही बदतर है, बद से बदतर है। हमारे गांव में लगभग 100 लोग ऐसे हैं जिनके पास आवास बिल्कुल नहीं है, रहने की कोई व्यवस्था नहीं, लेकिन प्रधान सिर्फ उनको पैसा और चाहिए, पैसे के माध्यम से आवास उपलब्ध कराया गया। अभी तक पीआरटी सूची जितनी बनाई गई, सारी पीआरटी सूची में उन लोगों का ही नाम शामिल किया गया जिन्होंने 10 से 20 हज़ार रुपया अवगत कराया। ग्राम ये बताइए, पहले 10 से 20 हज़ार रुपए देंगे फिर आपका कॉलोनी पास होगा? जी जी, ऐसा जी, है जी जी। ग्राम प्रधान और जो सचिव है ये दोनों को पैसा सरकार चाहिए। तो कहती फ्री में घर। प्रधानमंत्री जी की तो जो योजना ही है। हाँ, कि आप प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निःशुल्क सबको आवास उपलब्ध कराया जाएगा। गरीब लोग जिनके पास कच्चा घर है, पक्का नहीं है, उनको उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन ऐसी स्थिति में सिर्फ वो पैसा लेकर के उन लोगों को, अपने ही चहेतों को पैसा जो देता है उनको आवास उपलब्ध कराया। कोई है इसको इसको सुनने वाला, इसको देखने वाला? ये देखने के लिए देखिए, हमारे गाँव के लोग, कई लोगों ने शिकायत भी की जिसपे कार्रवाई जारी है। अब देखिए हमारे खंड विकास अधिकारी मृदुला जी हैं, अब उस पर क्या और कौन कौन सी समस्याएं हैं सड़क की बारे में, सड़क के बारे में क्या कहेंगे अपने गांव की? जी हमारे गांव में सड़क की स्थिति बहुत ही खराब है। हमारी गाड़ी खुद फंस गई जी, आपके जी, गांव जी, में। जी जी जी, आपके रिपोर्टर से लेकर सारे अधिकारी कर्मचारी मौके पर जाकर आप स्थिति को देख सकते हैं। हम कह रहे हैं जो भी सक्षम अधिकारी आए, वो चाहे वो हमारे नवादा ग्राम सभा के भारतीय बस्ती, गौतम बस्ती, वो पूरे विक्रम शाह की बिंद बस्ती, जायसवाल बस्ती, इन सारी बस्तियों में गाड़ी लेकर आप बाइक भी नहीं ले जा सकते, जो कि दो तीन तस्वीरें आपको मैं अवगत भी करा सकता हूं। निश्चित तौर पे निश्चित। आप मुझे ये बताइए कि पिछले ये 4-5 सालों में या 10-15 सालों में आपके गांव में हुआ क्या है, काम क्या हुआ है काम के नाम पे? हमारे यहाँ काम के नाम पे सिर्फ एक गौशाला बनाया गया जो अधूरा छूटा रह गया, वो भी पूरा नहीं किया गया। दूसरी बार ग्राम का स्कूल की बाउंड्री कराई गई, वो बिल्कुल अनियमित तरीके से कराई गई।
स्कूल ही पूरा अनियमित होगा। जी 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 जी, मतलब 6 एक मसाला 7 एक मसाला बनाया गया है ये समझ लीजिए। 7 एक मसाला जी 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 जी, 4 इंच पैसा तो पूरा आया होगा वहाँ से, तो ये समझ लीजिए 7 लाख भुगतान हुए हैं। 7 लाख भुगतान हुआ है और 7 एक मसाला बनाया गया है। हाँ, और कोई इसको देखने वाला नहीं है, सब मिल के मुझे लग रहा है बांट लेते होंगे। सब जो है मिलकर बांट लेते हैं, परसेंटेज तक सब मिले। प्रधानों से बात किया जाए, प्रधान कहता है भाई ऊपर वाले सब परसेंटेज लेते हैं, हमारी क्या मजबूरी है, हम क्या करें। प्रधान सब ऐसा कहते हैं, ऊपर वाले सब परसेंटेज लेते हैं। जी 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 जी, योगी जी कह रहे हैं उनके यहाँ कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है, ऐसी कानून व्यवस्था प्रदेश किसी दूसरे प्रदेश में है ही नहीं। मैं तो नहीं मानता कि योगी जी की कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। जी, हम कह रहे हैं ये पर जो है इस समय योगी की व्यवस्था में बिल्कुल धांधली ओपन है, लेकिन लोग मजबूरी बस, डर बस, दबाव बस, वो किसी प्रकार की आवाज़ को नहीं उठाते हैं, कह नहीं पाते। अगर कोई आवाज़ उठाने के प्रयास भी किया गया तो उसके मुंह भी बंद कर दिए जाते हैं, दबा दिए जाते हैं, उन्हें धमकियां दी जाती है कि आपको जेल में डाल दिया जाएगा, आपको मुकदमा फंसा जब, जब अब एक आप मुझे बात बताइए, जेन्युइन सी बात बताइए, जब आप ये सब कवरेज कर रहे होंगे, जब ये खबरें छापते हैं तो कोई डराता धमकाता है? जी, डराते धमकाते नहीं, हमें बार बार कहा जाता है कि आप ऐसे छोटी मोटी बातों को मत उछाल लीजिए। छोटी मोटी बात है, 7 एक मसाला से स्कूल बना के बच्चों का फ्यूचर खराब कर दे रहे हैं, भारत का फ्यूचर खराब हो जाएगा, और ये छोटी मोटी बात हो सकती है? जी, उनके निगाह में तो यही दिखता है, लग रहा है। वो कहते हैं कब इनको आप उछालिए मत, चलिए जो भी आप कहेंगे उसको हम मान लेंगे, और इसी बात को लेकर वो विशेषकर दबाने के प्रयास, प्रलोभन देते होंगे, प्रलोभन देते हैं। लेकिन मैं इस बात को नहीं लिया, अभी ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते के अंदर इस अभियान को हमने चलाया, गांव के 4-4 जागरूक लोगों को बताया, बताकर आवाज़ भी उठाई, जिससे ये प्रक्रिया आज जारी है और तत्काल ही इसका निस्तारण भी उच्च अधिकारी। क्या लगता है आपको, हर गाँव की स्थिति ऐसी है? जी जी, हमने तो करीब 100 गांवों का लगभग सर्वेक्षण भी किया, पैदल जाके, जैसा कि मैं अखबार के माध्यम से टहल कर भी पता किया, लगभग ज़्यादातर गांवों में ये देखने को मिला। लेकिन उन गांवों के पीछा पूरे विक्रम साह नवादा ऐसा गांव निकला कि जो सबसे बुरी स्थिति से गुजरना पड़ा। यहां पर तो जितने प्रधान बनते हैं सारे तानाशाह बनते हैं, हिटलर शासन चलाना चाहते हैं, सब इसे प्रधान नहीं, यहां सब प्रधानमंत्री बन जाते हैं। जी जी जी, किसी डीएम से कम पावर नहीं रखते हैं एक प्रधान जो होता है, और गांव सभा के प्रधानों से तो पूरी पब्लिक समझ त्राहि त्राहि कर रही है। कैसे बदलेगी ये स्थिति? बदलेंगे लिए देखिए, उच्च अधिकारियों को सुधार करना पड़ेगा। अगर ग्रामीण किसी प्रकार की शिकायत, उम्मीद है कि उच्च अधिकारी सुधार ला सकते हैं। भाई सुधार नहीं लाएंगे तो हम तो इतना तक ठाने हैं कि अगर गांव की अगुवाई कर रहे हैं तो उसके लिए आंसन तक करेंगे, धरना भी करेंगे, आंसन करेंगे। जी जी, आंसन करेंगे, और उसके बाद जरूरत पड़ेगी तो जो है जिस भी स्थिति से गुजरना पड़ेगा उसके लिए मैं अपना और अपने गांव के सहयोग को लेकर तैयार रहूंगा। और क्या कुछ कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में? 2022 में विधानसभा चुनाव है, अब ऐसे में सारे नेता अपने बिल से बाहर निकल रहे हैं, तो जनता को नेताओं से क्या सवाल करना चाहिए? भाई जनता को नेताओं से सवाल ये रखना चाहिए कि विकास के मुद्दों को रखना चाहिए सर्वप्रथम। आपने अभी तक जैसे अभी आपके माननीय तेजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ झांसा देने का काम किया, विकास के नाम पे सिर्फ झांसा दिया, वादे किए लेकिन वादे पे खरे नहीं उतरे। और जिस प्रकार से आपको देखने को मिला है, तमाम योजनाएं तो चलाएं, कहें कि इन्होंने किसान सम्मान निधि को ही ले लीजिए, बहुत अच्छी योजना, सफल योजना चलाएं, लेकिन हम तो देखते हैं कि 98% लोग सिर्फ परेशान है। किसी का खाता नंबर गड़बड़ है, किसी का आधार संख्या गड़बड़ है, किसी का नाम गड़बड़ है, इस तरीके से बैंक वाले जी जी तैयार नहीं, बैंक वालों बिल्कुल 101% तवज्जो ही नहीं देते हैं। बैंक वालों मजदूर तो उनको ये लगता है कोई भिखारी आ चुका है। बताइए, और गाँव की बात छोड़ते हैं, आप इस गांव के ही रहने वाले हैं? जी जी जी, इसी गांव के। बदलेगा ये गांव की नहीं, आप यहां के स्थानीय पत्रकार जी, जी, हैं जी, जी, जी। बदल पाएंगे या नहीं आप ये गांव? अब देखिए, इस चीज़ को तो हम बहुत अस्थायी तौर से नहीं कह पाऊंगे, लेकिन गांव के लोग अगर तैयार होंगे, अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे, हो सकता है अधिकारियों में सुधार आए तो इस गाँव की तस्वीर बदल सकते हैं। जी 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 जी, सब कुछ बदलेगा।